हेलो नमस्ते इंडिया. हेलो बलूतिन, मैं लोनी बोल रहा हूँ. वो क्यों बोल रहा है? वो तू बोलते बोलते थकता नहीं है? और मैंने पता तो क्या बोलेगा यार, यही ना कि एक हफ्ते में जो होटल बेचने की धमकी दीती थी वो तो खत्म हो गई. अब तुझे मैंने और टाइम पे और धमकी देनी है. देखो चुप कर, मैंने पता है उन तो साढ़े पेंगे इसकी बात करेगा, धमकी देगा कि मैं जाके उनको समझाऊं कि हमारे बीच में नहीं आना. तो सुनो, साड़ा फैमिली मेंबर है, छोटे भाई हैं मेरे, समझा, बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं. उनके खिलाफ एक भी लफ्ज बोला ना मैं भूल जाऊंगा तेरा मेरा. तो रिश्ता भी है, ठीक है, राइट ऑन. ओए खोते दा पुत्र, तेनु शर्म नहीं आती? रख बोल. बल्लू जी, वो तेरी आवाज नहीं क्यों है कमीने? अरे मैं बोल रही हूँ, मैं स्वीटी. ओए स्वीटी जी, मैनू माफ कर, ओ मैनू लगा वो नलायक है. ओ हुक्म कर, हुक्म कर. है जी, इनविटेशन आया है फोर प्ले के लिए. है का के लिए? अरे फोर प्ले, हम दोनों को इनवाइट किया है. फोर प्ले के लिए? हाँ जी. किसने इनवाइट किया है? अरे वो नाटक कंपनी वाले ना बल्लू जी, हमारे घर के पास जो वो थिएटर है ना, वहाँ एक साथ चार चार अलग अलग प्ले होने वाले. फोर प्ले? ओहो, फोर प्ले में तेरा मतलब है चार नाटक? अरे एक ही बात है ना, लेकिन बल्लू जी उन चार प्ले में से मुझे सिर्फ एक ही प्ले देखना है, मुगले आजम. इसलिए कॉल आपको और जल्दी आ जाना, क्योंकि पहला फोर प्ले ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगा. और आपको तो पता ही है बल्लू जी, फोर प्ले का स्टार्टिंग मिस किया ना तो क्लाइमेक्स में बिल्कुल मजा नहीं आता. नहीं अरे कोई बात नहीं, तेरे को तो पता है मैं बिल्कुल पंचुअल हूँ, है, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाऊंगा. खाली मेरे को बता देना किसके घर पहुँचना है जी. मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी का सबसे रोमांटिक दिन. मैं राखी बांध रही थी. क्या? अपने मुंहबोले भाई को. तभी तुम्हारे परीक्षित भैया वहाँ आए. हाँ. मुझसे कहने लगे चलो ना कहीं खूबसूरत जगह चलते हैं. How romantic. तुम कहाँ जा रही हो? यहीं पे. फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहने लगे बहन, क्या भाई, माँ बाप नाते रिश्तेदार कोई नहीं है मेरा. मैं बिल्कुल अकेला हूँ. क्या हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर नहीं कर सकते? फिर क्या उनके हाथों की थरथराहट आज भी मेरे एहसास में है. उनके सांसों की तपिश और भी मैं अपने चेहरे पे महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ. उनके बदन की खुशबू और भी मेरे सांसों में बसी हुई है. फिर क्या पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी सांसें कौन सी मेरी कौन सी, उनके एहसास कौन से मेरे कौन से. दाल चावल के सारे फासले मिट चुके थे, रह गए थे सिर्फ खिचड़ी. खिचड़ी? सॉरी यार, वो भावनाओं में थोड़ा ओवरफ्लो का तड़का लग गया था. भाभी तुम तो बड़ी वो निकली. अरे अभी तुमने देखा ही क्या है. अच्छा मेरी छोड़ो, मेरी छोड़ो, तुम बताओ दिखता कैसा है वो? कौन कैसा दिखता है? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड. अरे आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड. वाओ, Now don't tell me. Tell Jyoti. बताना कौन है, कैसा है, बताओ ना. अरे बाबा, I really haven't met anyone yet. और लड़का भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अपनी पसंद की कोई चीजें हो ना. हाँ जैसे जैसे बताओ ना. He should be a good cook. He should have a good sense of humor. He should be obviously be handsome. जब बात करे तो ऐसा लगे कि शायरी कह रहा है. अगर वो cowboy के गेटअप में आ जाए तो मैं तो मतलब वो जो बेजुबान की फीलिंग नहीं समझ सकता वो हम इंसानों की फीलिंग क्या समझेगा, बोलो तो. बिल्कुल सही कहा तुमने. अरे चलो चलो, जाने से पहले भाभी को एक किसी दे के जाओ. भाभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कल तुम्हें तुम्हारा वो काउबॉय ड्रीम मैन मिलने वाला है. रियली? नाबी सीरियसली? चलो जाओ जाओ, जाके सो जाओ. गुड नाइट. मुआ 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 मुआ. पराग, पराग. Oh, it's
a gleam come closer. Hey, it's okay, relax, relax. No relax, sir, no relax. Aapka kukli book pal pal ke. Main khud cooking class start kiya. Oh, really? Yeah, sir, autograph, please, autograph. Oh, sure. Ben. Kusho. Thank you. Mr. Walma. हमको मालूम नहीं कि आप भी एनिमल लवर। यू सी, जिनको जानवरों से कोई प्यार नहीं, लगाव नहीं, वो इंसानों की फीलिंग्स को क्या समझेगा? आई लव एनिमल्स। यू सी, ये हमारे तरह नहीं होते। इनमें कोई बनावट नहीं, कोई धोखा नहीं होता। जब भी मैं इन खूबसूरत रंग बिरंगी पंछियों को आसमान में उड़ता हुआ देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह खुले दिल से आसमान में उड़ सकते। यू सी, ये गाने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढे, जीने के लिए कोई लॉजिक नहीं ढूंढे, और खुशी के लिए कोई वजह नहीं ढूंढे। फिर भी हम इनको खाने के लिए ढूंढते हैं। शट अप। इट्स ओके, सॉरी। अरे इनका भोलापन, इनकी मासूमियत, इनका चहचहाना देखकर ऐसा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह सिर्फ प्यार करना जानते। I love animals. Excuse me, sir. आपकी favorite recipe कौन सी है? Of course. Let me think. Hot dogs, tandoori chicken, seekh kebab, mutton biryani, fried pomfret, pork chops, beef steak, stuffed turkey, roasted duck. Oh, duck. Animal lover. Oh, of course. ये सब ban कर देना चाहिए, ये कह रहा था मैं। हाँ, I'm a pure vegetarian. You see, मैं तो फूल पत्ते भी वो खाता हूँ जो पेड़ से मर के गिर जाते। इतनी गिली भी बात। Oh my God, मेरा idol, my hero is vegetarian. It's okay. क्या कर रहे हो? Non veg. आज से finish. No non veg. I'm also vegetarian. Can I kiss your hands? Excuse me. Hi. Hello. Kalpana. Bhavesh. अभी आपकी अंदर बातें सुनी। अच्छा? बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो कि पशु पक्षियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। यह हक उन्हें ईश्वर ने दिया है, और किसी इंसान को यह हक नहीं है कि उनसे उनका यह हक छीन। ऐसा सब तो नहीं सोचते। मैं सब की तरह नहीं सोचता। So you're a chef? हाँ, बस एक छोटा मोटा सा। आपके फैंस के रिएक्शन को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। But where do you work? होटल इंटरकॉन्टिनेंटल का नाम सुना है आपने? अरे, वहाँ का मैनेजर तो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है। वहाँ से राइट लीजिए, होटल फोर सीजन्स बीच रोड पर। अरे, वही फ्रेंड वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है। हाँ। वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, होटल ग्रैंड हयात। वहाँ गई हैं आप? वहीं पर मैं काम करता हूँ, सुपरवाइजर शेफ की पोस्ट। लगता है बहुत कम सैलरी मिलती है वहाँ पे। जी। Otherwise, he would have asked me for coffee till now. Lunch करेंगे आप मेरे साथ? Lunch? वैसे मेरी सैलरी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। Hi, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। चैनल के क्रिएटिव हेड को तुम्हारी स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल बहुत पसंद आई। उनका यह कहना है स्क्रिप्ट राइटिंग की यही स्टाइल होनी चाहिए। इनफैक्ट अप्पा को अल्टीमेटम मिला है कि अगली बार से करीना ने स्क्रिप्ट नहीं दी तो उनकी पोजीशन भी डामाडोल हो सकती है। तो अप्पा तुमसे अभी मिलना चाहते हैं, इडियट। वाके। लेकिन वो रास्कल लग... अप्पा कूल। ओके, कूल। आई एम कूल, ऑलवेज कूल। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना? वैसे तंबी, मैं इस कुर्सी पर ज्यादा सूट करता ना। लुंगी पहनने वाले सूट की बातें नहीं करता। राजकर, मैं कुर्सी से उठने की बात करता, ये मेरा कुर्सी थी। तो बैठो अपनी कुर्सी पे। जचता, तुम इस कुर्सी पे बहुत जचता। हाँ, बैठो, मेरा क्या, मैं तो किधर भी बैठ सकता, इधर भी बैठ सकता।
मैं डिसाइड किया कि तेरे को एक चांस देना मांगता, ट्रायल चांस। मैं तेरे को टेंपरेरी राइटर बनाने को रेडी। तुम रेडी नहीं पिल्ले हो, बट एनीवे नो थैंक्स। आई वांट अ परमानेंट जॉब विद अ 3-ईयर कॉन्ट्रैक्ट। मैं तेरा गोला। अब्बा कूल, रिमेंबर डॉक्टर। कूल कूल। मैं तेरा गला चेक कराएंगा, क्या स्वीट वॉइस, कितना अच्छा गला, लेकिन परमानेंट जॉब है थोड़ा प्रॉब्लम। ओके तो चलता हूं। आ जाचता जाचता, तुम परमानेंट राइटर जाचता। और 3-ईयर कॉन्ट्रैक्ट वो तो ठीक है, देना ही है, वो तो देना ही था ना, यो वो भी कंफर्म्ड। और भी कुछ जी? हाँ, मैं आपकी बेटी सीमा से शादी करना चाहता हूँ और मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ जी। मतलब? Get out rascal, इन्ना पो! जा रहा हूँ मैं। जाने दो। मैं चला गया तो मेरे साथ आपकी पोस्ट भी चली जाएगी। ये तेरे को किसने बोला? आयो, सीमा तुम, यू टू। आई लव हिम, बट आई डोंट लव हिम। ये फैमिली का सपोर्ट करेगा। देखिए सर, मैं इसे सपोर्ट कर लूंगा, लेकिन अपनी बाकी की फैमिली को आपको खुद सपोर्ट करना होगा। चुट चुट, देगा देगा। अप्पा प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ओके, जचता। क्या जचता? तुम दोनों का जोड़ी जच चुका। Yes. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तू क्या कर रहा है? क्या बाय बाय कर रहा हूँ? ये गलत कर रहा है तू। गलत क्या? मैं बचपन से बाय बाय ऐसे ही करता हूँ। तू कैसे करता है ऐसे? अबे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ। पहले से हम कब प्रॉब्लम है जो तो इनविटेशन देके पोंगे ले रहा है? देख, कल्पना बल्लू जी की साली है। साली बहुत सॉलिड है यार। देख, तेरी वजह से हम जो कल पकड़े जाने वाले ना, वो आज पकड़े जाएंगे। अबे नरके अमरूद, तू मेरी लव स्टोरी में क्या कर रहा है? वो मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तुझे देखा तो बस से उतर गया। उधर गया ना, चल अब चढ़ जा। अब देख कहाँ जा रहा है? अबे घर नहीं जाना क्या? चल ऐसे जाएगा घर? गेटअप कौन चेंज करेगा, तेरा बाप? ए तू मेरे बाप पे मत जाना। क्यों? क्योंकि मेरे बाप पे मैं गया हूँ। अब वैसे भी वो गेटअप उनको अजीब लगेगा। अरे फोन आया। हेलो, यस मिस्टर चाचा, मैं चेंज करके आता हूँ। सेटिंग सर, डोंट यू वरी, आई आई हैव आई एकदम सॉलिड, एकदम डोले शोले बन गए आपके। अप डाउन क्या चाहते हो? टेप डालना चाहते हैं। उद्घाटन में आई है क्या? लेप नहीं भाई, रेप कहने की कोशिश कर रहे हैं। दो तीन दिन चला हूं। अरे तुम लोग मेरा रेप करोगे? भाई भाई ये तो खुश हो रही है। मेरे मतलब देखिए, और तू तो जाएगी। चल चल क्या तो जाएगी। बहुत है, 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 बहुत है। ये दगा नहीं है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देखो आज तक किसी पराये मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। भाई ये अफसोस जता रही है, हम दोनों को उकसा रही है। नहीं छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ना छोड़ दे ना। ऐसे कैसे? तो नहीं भाई, आगे मत बोलना। आप बोलोगे छोड़ और आपके मुंह से कुछ और ही निकलेगा। पता है ना पिछली होली को क्या किया था? अरे बिल्डिंग की सारी औरतों को जाके कहा, क्या मैं तुम पे रंग लगा सकता हूँ? और रंग की जगह पे इनके मुंह से क्या निकला पता है? कितना पीटा था हम दोनों को। ची, औरत को ऐसे मार कर देवे शर्म नहीं आई? जनाब पलाई होले के समय नाक लग गए। ये तू बाल जाके नर लग थकते मैं तमाम तमाम तेल की आता हूँ। ओके भाई चल तू जा। अच्छी बात है, छोड़ दे जाने का। ये चल तू लग, तू मेरी पावर नहीं जानती है। मेरे साथ स्वागत बनाने के लिए तैयार हो जाओ ना। कम
खबरदार खबरदार रिक्शा का मीटर किधर किधर अरे मतलब डोंट टच पीछे इंजन को तो हाथ लगा के जान दे तू भी मैं तेरे तुम्हारे साथ अपनी स्वागत कभी नहीं मनाऊंगी अच्छा जान देने की पर किसी की काम नहीं आई भी हां चुप कर सलील हवस के पुजारी कुत्ते अभी have no fear because your devil is here. ए देवल, तेरे देवल को ठीक नहीं लग रहे। मारो देवर जी। अच्छा वो मेरा रेप ही कर लेता।